हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स बाय डीके में। हमने एक एलजी वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स लिया है, शायद आपने इसे देखा भी हो और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो। देखने वाले लोगों में इलेक्ट्रिशियंस ही होंगे जो वॉशिंग मशीन रिपेयर करते होंगे, तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये कैसे काम करता है, इसमें होता क्या है, या फिर ये रिपेयर होगा कि नहीं होगा, अगर ख़राब भी होता है तो इसमें क्या ख़राब होता है, कुछ दिखता तो है नहीं, ना वायर है, ना कनेक्शंस है, ना कुछ। तो हम आज आपको इसे खोल कर दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत होती है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें क्या ख़राब होता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए इसे हम खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जाम है, थोड़ा हिल भी नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। इसके पहले आपको हम इसे खोल कर दिखाएंगे। इसमें भी अंदर चूड़ी होती है, थ्रेड होता है। आप इसे हैमर की चोट मारकर ना निकालें वरना नट खराब हो जाएगा, आपको इधर से भी खोलना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये खुल गया है, अब आप इसे खींच कर निकाल लीजिए। देखिए ये भी निकल गया। अब हम इन स्क्रूओं को खोलेंगे, उसके बाद से दिखाएंगे आपको कि अंदर क्या है। वैसे तो हमको ये पता नहीं है कि इसमें क्या है, पहली बार खोल रहे हैं आपके सामने। देखिए ये कैसे काम करता है आपको हम बता देते हैं। एक बार आप ये होल्स दिख रहे हैं, ये खांचे, ये घाट बने हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। देखिए ऐसे ऐसे, ये इसी तरह नीचे भी बने हुए हैं यहाँ पे। देखिए ये खांचे इसलिए बने हुए हैं कि ये हमारा ये वाला हिस्सा स्थिर रहता है और नीचे से ये वाला पॉइंट घूमता है, जिसमें हमारी ये पुली लगी होती है, यही इसको घुमाती है अंदर से। यहाँ से ये घूमता है तो इसमें अंदर गियर्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह के खांचे बने होते हैं, उसमें इसी तरह के खांचे बने होते हैं उसमें भी, और वो जाकर उसी में फंसते हैं, और जब वो घूमता है तो ये आगे से घूमता है ऐसे। अब आपको इसे कैसे निकालना है, इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप सीधा ऐसे घुमाकर भी खोलेंगे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जाम हो गया होता है, बिल्कुल जाम हो गया होता है, तो आपको क्या करना है, इधर से स्क्रू ड्राइवर का ये फ्लैट साइड यहाँ डालना है, फिर एक और स्क्रू ड्राइवर लीजिए दूसरा, और इधर से फ्लैट वाला हिस्सा डालिए, और उसके बाद से इसको तानिए, टाइट तानेंगे तो ये खुद ही बखुद बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप इस पे आगे कहीं ना ठोके मारे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आप गियरबॉक्स बना भी लेंगे तो ये लीकेज करने लगेगा, पानी अंदर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो इसमें हमें करना क्या है, अब हम इसे ले जाएंगे गर्म पानी में, खौलते ही पानी में इसको डालना है ताकि ये ग्रीस साफ़ हो जाए। आप अगर चाहेंगे तो चाहें कि इसे खोल लें तो ये खुलने वाला नहीं है, ये चीज़ फिक्स है, यहाँ पे कहीं स्क्रू भी नहीं लगा है, ये रिपीट है, ये निकलेगा नहीं। आपको इसे गर्म पानी में डालना है, गर्म पानी में डालिए, उसके बाद से इसको वॉशिंग पाउडर और ब्रश की मदद से पूरा साफ़ कर दीजिए, फिर इसके अंदर पूरा ग्रीस भरिए, पूरा ग्रीस भरा होना चाहिए। चलिए हम आपको धोकर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमने इन्हें धोकर और इनमें ग्रीस भर दिया है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रीस भरना है। देखिए, और ये है हमारा मेन पार्ट, गियर बॉक्स का मेन पार्ट यही है, आपको इसको भी पूरा ग्रीस से भर देना है बिल्कुल, और इस शाफ्ट में नीचे भी ग्रीस आपको भर देना है। उसके बाद से
ये वाला होल इस सॉफ्ट में जाएगा ऐसे। देखिए ये बिल्कुल आसानी से बैठ गया। अब हमारा ये वाला पार्ट जाएगा इस होल में, देखिए ऐसे। और इन दोनों होल से इस होल को मिला देना है, देखिए ऐसे। चलिए पहले स्क्रू टाइट करके उसके बाद से पुली लगाकर हम आपको दिखाएंगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ना बिल्कुल चमक रहा है, लग रहा है जैसे नया है। हम आपको स्क्रू टाइट करके दिखाते हैं। हमारा पूरा गियर बॉक्स टाइट हो गया है। देखिए इन दोनों होल्स को मिला के आमने सामने डालना है ताकि आपका स्क्रू जो है वो सही से टाइट हो पाए। देखिए ये बिल्कुल बैठ गया है। अब इसमें आपको ऐसे स्क्रू डाल कर टाइट कर लेना है। उसके बाद इस नट को यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। देखिए हमारा पूरा गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब इस हम पुली को नचा कर देखेंगे, घुमा कर देखेंगे कि ऊपर से घूम रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है। देखिए आपको आगे दिख रहा होगा कि शाफ्ट घूम रहा है। शायद आपको इसके बारे में मालूम हो, हमारा वाशिंग मशीन का मोटर जो होता है वहाँ से एक बेल्ट लगता है इस पुली पर जो 1440 आरपीएम पर घूमता है, यानी कि एक मिनट में 1440 बार ये घूमता है तब जाके इधर स्पीड आता है। मतलब मेरे बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को लग रहा हो कि हाथ से नचा रहा है ये तो कितना स्लो नच रहा है, कि हम लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जब ये मोटर स्पीड में घूमेगा तब जाकर ये पुली हमारा तेज घूमती है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा चल रहा है ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।